हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक हेल्पर में। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप खाता बुक के ऑनलाइन पेमेंट कैसे ले सकते हैं और कैसे रिसीव कर सकते हैं अपने ग्राहकों से। दोस्तों, ये अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये खाता बुक में एक नया फीचर आया है। इस फीचर से आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं अपने सीधे बैंक अकाउंट में, और आपको इसके लिए आपको बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको पैसे या सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। तो दोस्तों, मैं इसे ओपन करता हूँ और बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको इसे इस्तेमाल करके आप उससे सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे होता है कभी कभी कि पैसे आपको ग्राहक से मांगते हैं, कभी देता है कभी नहीं देता है, तो इसीलिए इसमें ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आया है। और इससे होता होगा क्या कि आप उसे एक बार मैसेज कीजिएगा और वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे किसी भी आईडी से या वॉलेट से या UPI ID से या बैंक अकाउंट से सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये एकदम सेफ और 100% सेफ है दोस्तों, ये बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसे ओपन करता हूँ खाता बुक को। खाता बुक को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको 3 लाइन पे आपको जाना अपने प्रोफाइल पे। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों, सॉरी दोस्तों बताऊँ फिर, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा न्यू ऑनलाइन पेमेंट्स, ये न्यू फीचर आया दोस्तों। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपको जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऐड टू बैंक अकाउंट और ऐड योर UPI ID। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं आपको बताने के लिए मैं UPI ID ऐड कर लेता हूँ और इसको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने UPI ID डाल दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं अपने UPI ID, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों ऊपर, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपकी ID आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सेव का ऊपर इस आपको सेव का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे आप सेव कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा नाम, आपका ईमेल, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिखाई देगा, रिसीव टू पेमेंट आपको पूरा दिखाया जाएगा। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, ये आपका UPI ID आपके खाता बुक से लिंक हो चुका है। आपको दोस्तों, कोई भी कस्टमर अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट करता है तो सीधा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर से पैसे कैसे लेने हैं। तो आपको बैंक जाना है और अपने कस्टमर पे क्लिक करना है दोस्तों। कस्टमर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे मुझे ये टैग हेल्पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं टैग हेल्पर मुझे इससे पैसे लेने हैं। तो मुझे क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे रुपये का सिंबल सा बना हुआ आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रुपये का सिंबल सा बना हुआ आ गया रुपये का। तो इस सिंबल पर आपको क्लिक करना। क्लिक करते दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेंड टू पेमेंट लिंक। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका URL आ जाएगा। इसको आप लिंक को भेज सकते हैं किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, व्हाट्सअप, जिस पे भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपने रुपये को भी एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ 477 रुपये, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। फिर आपको दोस्तों, यहाँ पे सेंड पेमेंट लिंक पे आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके पास मैसेज चला जाएगा, पेमेंट लिंक SMS सेंड, ओके पे ओके कर दीजिए। ओके कीजिए, आपको उसके पे मैसेज चला गया। अब वो दोस्तों आपको मैसेज देखेगा और वो आपको पैसे क्रेडिट करेगा दोस्तों। अब बता देते दोस्तों, ऐसे ही आपको कोई पैसे भेजता तो आपसे बैंक अकाउंट में जाएगा दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जैसे कि कोई पैसे अगर भेजता है तो उसकी डिटेल कैसे देखनी है, तो मैं ये बताता हूँ। तो आपको बैंक जाना है, फिर आपको अपने प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पर ऑनलाइन, फिर वही ऑनलाइन पेमेंट जो लिखा हुआ है दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ सारा स्टेटमेंट आ जाएगा, जिसने जिसने भी आपको जिस वक्त आपको पैसे भेजे हैं वो सब डिटेल आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप ऑनलाइन खाता बुक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आप भले ही आसानी से कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो आपको लिए बहुत अच्छा ऐप है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। बस दोस्तों, आज के इतना ही। थैंक यू फॉर